हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक मंत्री के सामने एक आम लड़की हिम्मत दिखाती है। देश के लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से ही सरकार गिराने का जो नया सिस्टम बना है, लड़की ने उसी सिस्टम पर सवाल उठाया। शिवराज सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट निशाने पर हैं, क्योंकि तुलसी सिलावट भी उसी सिस्टम का एक हिस्सा है। भरी सभा में यह हिमाकत मंत्री जी को नागवार गुजरी। हिमाकत दिखाने वाली एक लड़की थी, इसलिए मंत्री जी के समर्थक उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। फिर क्या हुआ मध्य प्रदेश में, कैसे एक लड़की राजनीतिक बिसात का मोहरा बन गई, रिपोर्ट देखिए। सो आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग, अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को सजग है, जागरूक है, डंकी की चोट सरकार गिराई है, जो मध्य प्रदेश विरोधी हो, मध्य प्रदेश के विनाश करने वाली सरकार थी, इसलिए उनको हमने गिराया, डंके की चोट गिराया। बात करते हैं किसानों की, तो कुछ दिन पहले तक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने ही ट्वीट किया था कि इतने लोगों का कर्जा माफ हुआ है, फिर अचानक आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोल दिया कि किसी का कर्जा माफ नहीं हुआ। मैं भी उनकी एक वोटर हूँ। ये व्यक्तिगत कार्यक्रम सिर्फ एक विवाद के रूप में भाई साहब को बुलाया गया। उस युवती को पहले से सिखा के लाया गया था और उस युवती के बारे में हमने पता करा तो वो हमारी मीटिंग खराब करने आई थी। मैं उसके फोटो भी दिखा रहा हूँ और उसने कई अश्लील उसके फोटो भी हैं, आप उसको फेसबुक पे खुद जाके देख सकते हैं। उपासना शर्मा उसका नाम है और वो उसको कोई सिखा के लाया था और इसी प्रकार। और जब मंत्री जी ने उससे क्वेश्चन करे तो वो वहां से जा चुकी थी। मंत्री तो बन गए लेकिन एक मजबूत राजनेता नहीं बन गया। जब एक लड़की के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे पाए तो उसके चरित्र हनन की कोशिश करने लगे। ये हाल है शिवराज सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट, जो कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस में थे। कमलनाथ सरकार में वो मंत्री थे, सरकार गिराने वाले विधायकों में वो भी शामिल रहे, और जब बीजेपी की सरकार बनी तो यहाँ भी मंत्री बन गए। तब कांग्रेस के नाम पर वोट देने वाली एक वोटर को ये बात रास नहीं आई। उसने भरी सभा में मंत्री जी से सवाल पूछ लिया। अभी तक आप कांग्रेस में थे, अचानक बीजेपी में आ गए, कैसा लगा आपको? नहीं, मेरे बीच में तो खैर ठीक है, मतलब अच्छी खासी एक सरकार आपने गिरा दी, क्या फील हुआ आपको? इंदौर के विजयनगर इलाके में एक सभा के दौरान उपासना ने पूरी भीड़ के सामने ये तीखा सवाल पूछा था तो तुलसी सिलावट के समर्थक बेफर पड़े। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर लड़की के चरित्र पर सवाल उठाने में जुट गए। फेसबुक पर मंत्री से सवाल पूछने वाली लड़की के अपमान में कई तरह की बातें लिखी गई, उसे बदनाम करने की कोशिश की गई। सवाल सीधा है कि उपासना शर्मा के सवालों का उसके पेशे से क्या संबंध है? क्या लोकतंत्र में बारगल को सवाल पूछने का हक नहीं है? तुलसी सिलावट ने सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? उल्टा जब सफाई देने सामने आई तो मंत्री जी ने इन सब के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया। क्योंकि कांग्रेस ये इस प्रकार के बिना बोला ना कोई काम बचा नहीं करो। उस बच्ची को, उस बेटी को क्या पढ़ा था? मैं तो कह रहा हूं, मैंने पूछा, मैंने डंके की चोट गिराई, डंके की चोट गिराई है। लड़की को कांग्रेस एजेंट बताने को तो राजनीतिक चाल कहा जा सकता है, लेकिन सवाल है कि मंत्री जी जिस लड़की को बेटी कह रहे हैं उसी के चरित्र का सोशल मीडिया पर मखौल उड़ा रहे हैं। लेकिन लड़की भी अपने सवालों के साथ डटी हुई है, मंत्री के साथ साथ निशाने पर उनके महाराज भी हैं। उन्होंने मुझे एक ही जवाब दिया कि टाइगर जिंदा है, तो टाइगर जिंदा है लेकिन टाइगर का जमीर तो मर चुका है। क्योंकि सबसे बड़ी बात देखी जाए, अगर हम देखें कि ये जो उन्होंने किया, ये जो पार्टी चेंज किया, ये सब जो किया, इसमें कुछ नहीं हुआ, इसमें गलती सिर्फ ये है कि इनका तो कुछ नहीं गया, इन लोग तो अभी भी अपने पोजीशन में, ये लोग तो अभी भी मंत्री हैं, हारा है एक छोटा कार्यकर्ता। बीजेपी ने इन सब का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ा है, लेकिन एक लड़की को बदनाम करने के लिए कांग्रेस अब मंत्री का इस्तीफा मांग रही है। लोकतंत्र के उन लोगों से जिन्होंने अपना वोट बेच दिया, जिन लोगों का वोट बेचा उन वो सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और एक बेटी की बड़ी बात करते हैं, कोई सवाल कर दे तो उसके चरित्र का हनन, ये तो अपराध है। मंत्री को इसी वक्त इस्तीफा देना।